अरे यार मैं तो कोई दूसरी बात समझ गया। करे बिना समझले कहीं उठा के पटक देवे हाथ को टूट जाओ। हमारी बेटी बेटा के तोहर बाप है तोहरी सौरी में बोल सौरी में सौरी गलती नहीं होगी। सौरी में ना कलर एक ताकि वे समर रहती बिचाओ में से फैल गए ले। ए बताओ कि इस समय कहाँ रह रहे हो? इस समय इधर भाई साहब मऊ में। क्या मऊ जिले में? देखता ये मऊ जिले में कहाँ के रह रहे हैं? इस समय मऊ जिले में जाकर मैं कोपा कोपी में रह रहा हूँ। पैदा कहीं का आज तक नहीं सुनाई दिया मऊ जिले में कोपा कोपी का नाम। अरे मऊ में है माधव साहब। हाँ साहब। ये बताइए मऊ जिले में सुने हैं कोपा कोपी का नाम? अरे यार मऊ जिले में बहुत सुंदर स्थान है और शुद्ध नाम कोपा घोसी है। कोपा घुरेसी। चलो पैदा कहीं का कोपा घुरेसी रहे। जानते हो मऊ जिले में वो बहुत सुंदर स्थान रहे जिसका नाम है कोपा घुसी। मैं बता रहा था तुम धक्का मार रहे। अरे यार धक्का नहीं मार रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि इधर ही घोसी है। जानते हो मऊ जिले में वो दोनों बहुत सुंदर स्थान है जिसका नाम है कोपा घोसी। घोसी कोपा कोका नहीं। हाँ कोपा 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 कोपा। तो ये बताइए कोपा में आप क्या करते हैं? वहाँ पर भाई साहब मेरा बहुत बड़ा कारोबार चल रहा था। अच्छा अच्छा। लेकिन इस वक्त हटा दिया गया। क्या हटा दिया गया है? हाँ। तो कहाँ पे चले गए? इस समय आपके गाजीपुर में। क्या हमारे गाजीपुर जिले में? तो बताइए हमारे गाजीपुर जिले में कहाँ पे रह रहे हैं? इस समय आपके गाजीपुर जिले में आकर मैं हितनाथ घाट पे रह रहा हूँ। चलो कहीं का हमारे गाजीपुर जिले में भी आज नहीं सुनाई दिया हितनाथ घाट का नाम। अरे गाजीपुर में है माजा साहब। हाँ साहब। ये बताइए हमारे गाजीपुर जिले में सुने हैं हितनाथ घाट का नाम? अरे यार गाजीपुर जिले में बहुत मशहूर स्थान है और शुद्ध नाम चितनाथ घाट है। अरे यार जानते हैं हमारे गाजीपुर जिले में वो बहुत सुंदर स्थान है, वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब लोग घर जाते हैं। वो बहुत रमणीक स्थान है जिसका शुद्ध नाम है चितनाथ घाट। तो बताइए चितनाथ घाट पे आप क्या करते हैं? भाई साहब पहले तो मुझे करने में दिक्कत हुआ लेकिन अब मजा आ रहा है। क्या मजा आ रहा है? जब मेरा मऊ से कारोबार हटाया गया तो मैं आपके गाजीपुर में घुस गया। घुस नहीं गया, चला गया। हाँ चला गया चला गया। वहाँ जाकर मैं जगह खोजने लगा। अच्छा। मैं यही सोच रहा था कि कहीं मुझे लंबा यार जगह मिल जाए, मैं भी कर लेता, मेरी आत्मा शांत हो जाती। क्या? लेकिन आपके गाजीपुर में घूमते घूमते कई जगह नहीं मिली। अच्छा। मिली आपके चितनाथ घाट के पास। अच्छा अच्छा। बाप रे बाप, क्या नदी का किनारा। अच्छा। कहीं इतना ऊंच, कहीं इतना खाल। अच्छा। कहीं जंगल, कहीं झाड़। अच्छा अच्छा। लेकिन जगह बहुत सुना सना, यानी एकांत एकांत एकांत। जब एकांत जगह पे पहुंचा तो डर लगने लगा। क्यों? कि अकेले कर रहा हूँ, कोई पीछे से रोक न दे। चलो। लेकिन हमें किसी से डरा नहीं, हिम्मत बनाकर अपना खड़ा करना चाहिए। एक घंटा दो घंटा तीन घंटा चार घंटा बीच गया, मेरा खड़ा नहीं हुआ। मैं खड़ा दिया कि बाप रे बाप, चार घंटे में भी नहीं खड़ा हुआ। तो इस शर्मा महापागल मान ऊपर मुंह बना करके क्या मुंह बना रहा है, पका है। मैं रोने लगा, गुस्से में आ गया, कपड़ा उतार दिया। एक घंटा मेहनत किया तो पांचवें घंटे में खड़ा हो गया। जब पांचवें घंटे में खड़ा हो गया उसी वक्त भाई साहब हिम्मत बनाकर छठवें घंटे में डालना शुरू कर दिया। आप जी हुक रहे कि आप में नहीं नहीं उसमें डालना शुरू कर दिया। छठवें घंटे में डालना शुरू किया, सातवें घंटे में माल भर गया, आठवें घंटे में पैदा, नौवें घंटे में सप्लाई भरा। एक गाजीपुर जिला चितनाथ घाट नहीं है, यहाँ के लोगों का कहना है कि साफ साफ शब्दों में बताइए। अरे यार तुम्हारे गाजीपुर में अपना खड़ा किया। अरे यार क्या खड़ा किया? अबे चिमनी खड़ा किया। अरे यार फट्टा मालिक है क्या? यस मैडम। मैडम दिखाई दे रहा हूँ। नहीं हो तो दाढ़ी मोछ वाला हुआ। अच्छा, आपके कहने का मकसद यही रहा कि यानी आप अपनी चिमनी खड़ा किए, उसमें कच्चा ईटा डालने लगे, पक जाने के बाद तो सप्लाई किए। अरे यार इतनी छोटी सी बात और इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं। अरे यार आपका छोटी छोटी बात में तो बहुत कुछ हो जाता। क्या हो जाता है? ये सरकार जैसे छोटी मुखी बात ना समझला सही तो वह दूबेर पटकला सा।
कर छुट्टियों के बाद में बढ़िया घटना बढ़िया घटना कौन बढ़िया घटना ए मास्टर साहब के हम नौवत से मरता के जबरदस्ती मुआवल जाता तो कैसे हो इन न्यूज हम पेपर में भी हने दई के हम नौवत से मरता के जबरदस्ती मुआवल जाता काहे एगो हमार काका रहा।